नमस्कार दोस्तों, इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर यूट्यूब चैनल के एक और जानकारी भरे वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिस खबर का इंतजार हम सब भारतवासियों को, खास करके भारतीय डिफेंस लवर्स को था, वो खबर आखिरकार आ ही गया। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार हमारा स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस पर हमारा खुद का बनाया हुआ जेट इंजन, जिसको हर कोई कावेरी के नाम से जानती है, उसकी इंटीग्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। बीते कई महीनों से हम आप सभी को कावेरी इंजन प्रोग्राम के बारे में लगातार अपडेट देते रहे और हम बार बार ये जिक्र करते रहे कि मौजूदा कावेरी इंजन को तेजस के पुराने प्रोटोटाइप पर इंटीग्रेट करने का प्लान कर रही है जीटीआरई, और आखिरकार वो खबर सच साबित हुई। दोस्तों, हमें ये तो पता था कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में कावेरी इंजन का इंटीग्रेशन आज नहीं तो कल होगा ही, लेकिन यह इतनी जल्दी हो जाएगा इसके बारे में शायद ही हमने कल्पना की थी। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दोस्तों, एरो इंजन को डेवलप करना हमारे लिए हमेशा से एक चैलेंज रहा है। ये बहुत ही क्रिटिकल और बेहद गोपनीय टेक्नोलॉजी है, जिसको कोई भी देश जो इनको विकसित कर चुका है वो शेयर करना नहीं चाहता, और आप सब ये चीज भली भांति जानते भी है। ये बात हम जानते हैं कि भारत सही मायने में आत्मनिर्भरता को एविएशन सेक्टर में तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक हमारे पास एक उन्नत जेट इंजन उपलब्ध ना हो। और अगर हम भारतीय वायुसेना के फ्यूचर प्रोक्योरमेंट को देखें, तो उसमें फिर चाहे तेजस मार्क 1A हो या फिर तेजस मार्क 2 हो, चाहे इनका मार्क 1 हो या टेबीएफ हो, ये सभी अमरीकी जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन से पावर्ड होंगे। हाँ, ये बात अलग है कि ये टीओटी यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से भारत में बनाए जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें बहुत सारी क्रिटिकल कंपोनेंट के लिए अपनी जो डिपेंडेंसी है वो यूएस पर बना के रखनी होगी, और भारत को इस क्षेत्र में अभी एक लंबा रास्ता तय करना है। लेकिन फिर इसमें एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट से, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। 1 जुलाई 2024 यानी कल, फ्रांसीसी कंपनी सिफ्रान की ऑडिट रिपोर्ट में ये जिक्र किया है कि उनकी तरफ से जीटीआरई जीटीएक्स 35VS कावेरी इंजन को क्लियरेंस दे दी गई है। जी हाँ, कावेरी इंजन के इंटीग्रेशन के लिए जो क्लियरेंस है यह मिल चुकी है, और अब इसका जो इंटीग्रेशन है हमें एयरक्राफ्ट में देखने को मिलेगा। और यह ऐसा ही नहीं दिया गया है, इंजन टेस्ट में इन इंजन ने खुद को साबित भी किया है, जहां पर इन्होंने सफिशिएंट लेवल ऑफ जो मैच्योरिटी है वो दिखाई है, और एक लिमिटेड फ्लाइट एनवेलप में ये उड़ान भर सकते हैं। सबसे खास बात यहां पर यह है कि जो क्लियरेंस मिली है ये 5 प्रोटोटाइप्स को मिली है कावेरी इंजन के, जिनमें कावेरी K5, कावेरी K6, कावेरी K7, कावेरी K8 और कावेरी K9 इंजन शामिल है, और इन्होंने तकरीबन 145 घंटे की जो टेस्टिंग है इसको कंप्लीट कर लिया है। और अब आने वाले भविष्य में लाइट कॉमेट एयरक्राफ्ट तेजस में अब आपको यह इंजन देखने को मिलने वाले है, और बहुत जल्दी जो लिमिटेड सीरियल प्रोडक्शन के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है उनमें इन इंजन का इंटीग्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा, और यह चीजें काफी फास्ट ट्रैक होंगी। यहाँ पर एक और चीज जो हमारे लिए सरप्राइजिंग रहा वो ये है कि ये जो क्लियरेंस दी गई है ये फ्रांसीसी कंपनी सिफ्रान के द्वारा दी गई, जो कि काफी चौंकाने वाला खबर है। ये चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि हम सब ने बहुत पहले 2020 के आसपास ये खबर सुना था कि 36 राफेल की खरीद के समय जो ऑफसेट क्लॉज के नियम थे उसके तहत विदेशी कंपनी जिन्होंने अपना रक्षा उपकरण बेची है उनको उस उपकरण के डील के कुल लागत के 20% हिस्सा भारत के रक्षा क्षेत्र के किसी भी सेक्टर में निवेश करना था, जिनके तहत फ्रांस की इंजन निर्माता कंपनी सिफ्रान ने ये सिद्धांत लिया था कि वे भारत के सरकारी इंजन रिसर्च संस्था गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बनाई जा रही कावेरी इंजन प्रोजेक्ट पे कुछ रकम इन्वेस्ट करेंगे और वे जीटीआरई को असिस्ट करेंगे कावेरी इंजन को तैयार करने में। लेकिन बाद में इस प्रोजेक्ट में देरी और फ्रांस की तरफ से ऑफसेट क्लॉज के तहत इन्वेस्ट किए जाने वाले राशि को इन्वेस्ट करने में डिले करना, इस सब के चलते ये प्रोजेक्ट होल्ड कर दिया गया, और बाद में रक्षा मंत्रालय की तरफ से नए रक्षा खरीद नियम और रेगुलेशन जारी किए गए जिसमें ऑफसेट क्लॉज को हटा दिया गया। अब ये इंजन क्लियरेंस न्यूज फ्रांस की सिफ्रान कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में आना ये बहुत ही चौंकाने वाला है। इसका मतलब अब ये हो सकता है कि शायद फ्रांस की सिफ्रान कंपनी की तरफ से भारत को कावेरी इंजन को एक पूर्ण रूप देने में जो मदद का वादा किया गया था उसको उन्होंने बेहद ही गोपनीय तरीके से अपने सटीक अंजाम तक पहुंचा दिया है। ये तब और पुख्ता हो जाता है जब बहुत सारे रक्षा जानकारों की तरफ से भी इतनी जल्दी कावेरी इंजन के क्लियरेंस और इंटीग्रेशन की खबर आने को एक सरप्राइजिंग खबर बताया है, और उन्होंने भी ये माना है कि ये फ्रांस की मदद के बिना संभव नहीं होता, शायद हम खुद इसे आगे ले सकते थे लेकिन उसमें कम से कम 10-12 साल और लग जाते। हालांकि इस इंजन क्लियरेंस की भनक हमें तभी लग गई थी जब नवंबर 2023 में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा एक टेंडर इश्यू किया जाता है जो कि LCA स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन के लिए था, और यह मॉडिफिकेशन हमें जो AMAB यानी एयरक्राफ्ट माउंटेड एक्सेसरीज बॉक्स है इसमें होता दिखाई पड़ता है, जो कि कावेरी इंजन यूटिलाइजेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण था।
इसके अलावा एक और टेंडर इशू किया जाता है, जहां पर GTSU 110 Mark II, जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का इंजन स्टार्टर यूनिट है, इसमें भी जो अपग्रेड है उसकी डिमांड करी गई थी। हालांकि यही वो एयरक्राफ्ट होगा जो कि कावेरी इंजन में एज ऑफ फ्लाइंग टेस्ट बेड इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर हम इन डेवलपमेंट्स को गौर से देखें तो डेफिनेटली अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा सपना पूरा होने वाला है। जिस चीज को हम दिन में सपने देखना जैसा मानते थे, वो अब वास्तविकता का रूप ले चुका है। कावेरी इंजन में और भी बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं। आपको याद होगा हमने एक रिपोर्ट कवर की थी जहां पर हमने इनके वेट रिडक्शन मेजर्स के बारे में बात की थी, जहां पर हमने कहा था कि इनिशियल प्रोटोटाइप जो कावेरी इंजन का था वो तकरीबन 1400 किलोग्राम वजन ही था। बाद में उसके वजन को घटा करके 1200 किलोग्राम किया गया। अब ये 1188 किलोग्राम के आसपास है और आने वाले भविष्य में और भी ज्यादा जो वेट रिडक्शन मेजर्स है इनका इस्तेमाल किया जाएगा और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए एक ऐसा कावेरी इंजन बनाया जाएगा जो कि 1 टन से कम वजन का हो, ताकि एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस भी काफी एनहेंस हो सके और वेट को भी रिड्यूस किया जा सके। अब कुछ लोग अभी भी यह पूछेंगे कि आखिरकार जेट इंजन को लेकर के इतनी हाइप क्यों क्रिएट की जाती है, क्यों कावेरी इंजन पे हम कुछ ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, क्या हम किसी दूसरे देश से टेक्नोलॉजी को बोरो नहीं कर सकते। देखिए, कावेरी इंजन प्रोग्राम की शुरुआत ही 1989 में इस उद्देश्य के साथ हुई थी कि हमें कैसे इंजन को विकसित करें जो हमें सही मायने में आत्मनिर्भरता प्रदान करें, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि कोई भी देश जो जेट इंजन टेक्नोलॉजी विकसित कर चुका है वो कंफर्टेबल नहीं है अपनी पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी देने में, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा रिसर्च और पैसे की जरूरत पड़ती है। और ऐसे में जिन देशों ने इनको डेवलप कर लिया है वो इसमें फायदा ही ढूंढेंगे, ना कि वो अपनी टेक्नोलॉजी किसी को ऐसे ही दे देंगे। और जब भारत ने भी इस इंजन की शुरुआत करी थी तो इसी उद्देश्य के साथ की थी कि हम तेजस को स्वदेशी इंजन से पावर करके आत्मनिर्भरता को प्राप्त करेंगे। यहाँ पर भारत के द्वारा जब शुरुआत की गई थी तो लक्ष्य ये था कि एक लो बाईपास टर्बोफैन इंजन विकसित किया जाएगा जो कि तकरीबन 80 किलोन्यूटन का थ्रस्ट प्रदान करेगा और यह हमारे एयरक्राफ्ट को पावर करने के लिए सफिशिएंट होगा। लेकिन बाद में दो बड़े चैलेंज अपनी बाहें खोले GTRE का इंतजार कर रहे थी। पहला लैक ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि भारत में पहली बार ये टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही थी, तो जिसका सीधा मतलब था कि भारत में इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का कोई भी अनुभव नहीं था और हमें फ्रॉम स्क्रैप ये सारी चीजें शुरू करनी थी। और दूसरी बात ये थी कि कावेरी इंजन टाइम पर रेडी नहीं हो पाया, उसके पीछे की वजह थी अमेरिकी सैंक्शन, और अमेरिकी जो दूसरे रिस्ट्रिक्शन है उनको भी कारण माना जाता है। बाद में जो कावेरी इंजन है ये तेजस की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करने में सक्षम नहीं रही, क्योंकि बीतते समय के साथ LCA तेजस प्रोग्राम में भी जो मॉडिफिकेशन है ये होते रहे हैं। रिक्वायरमेंट जो थी वो बढ़ती गई, स्पेसिफिकेशन इम्प्रूव होती गई, और एक समय ऐसा आया जब तेजस के लिए इन इंजन को सफिशिएंट नहीं माना गया और ऑफिशियल सितंबर 2008 में जो एयरक्राफ्ट प्रोग्राम था उससे कावेरी इंजन प्रोग्राम को डीलिंक कर दिया गया। और 2014 सबसे बुरा वर्ष था कावेरी इंजन के लिए, और शायद उस समय हमें ये लगा था कि हमारी उम्मीदें खत्म होने वाली हैं, क्योंकि 2014 में कावेरी इंजन प्रोग्राम को ही पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। लेकिन गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट हार मानने वालों में से कहा थी, इन्होंने लगातार इस परे कार्य अपना जारी रखा और आज वह दिन आ गया है जब कावेरी इंजन तेजस में इंटीग्रेशन के काफी नजदीक पहुंच चुका है। अभी तक 9 फुल प्रोटोटाइप इनके द्वारा बनाए जा चुके हैं, यानी 9 फुल प्रोटोटाइप इंजन और 4 कोर इंजन जो है बिल्ड किए जा चुके हैं, जिन्होंने 3000 घंटों से ज्यादा की जो इंजन टेस्टिंग है ये पूरी कर ली है। और हाई अल्टीट्यूड टेस्ट में भी इनकी जो परफॉर्मेंस रही है वो काफी स्टेबल रही है। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अभी भी हमें एक लंबा रास्ता तय करना है। सबसे पहले तो हमें जरूरत है एक हाई अल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी की, क्योंकि अगर हाई अल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी हमारे पास होती तो जो इंजन बनाने में हमें लंबा टाइम लग गया, क्योंकि हमें पता है कि इंजन को हाई अल्टीट्यूड टेस्ट के लिए रूस भेजना पड़ता था। IL-76 एयरक्राफ्ट से टेस्टिंग होती थी, वहां तक इंजन को ले जाने और ले आने में पैसा और समय दोनों काफी जाता था। और इसीलिए एक्सपर्ट्स अब ये मानते हैं कि अगर हम सही मायने में इंजन प्रोग्राम को गंभीरता से ले रहे हैं तो हमें हाई अल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी की शुरुआत अब करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, हमें एक फ्लाइंग टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट की जरूरत है। इस मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि ये हम नहीं बोल रहे बल्कि खुद गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के जो अधिकारी हैं उन्होंने कई बार मीडिया के सामने आकर के ये कहा है कि हमारे लिए फ्लाइंग टेस्ट बेड का होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए अलग अलग जो प्रयास है वो किए गए। 2000 के दशक में पहले रूसी IL-76 एयरक्राफ्ट को खरीदने की बात की गई, बाद में इस प्रस्ताव को ठुकराया गया। उसके बाद MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट को एज ऑफ फ्लाइंग टेस्ट बेड इस्तेमाल किए जाने की बात की गई, उसको भी ठुकराया गया। फिर बाद में जो Sukhoi-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट है इन्हें एज ऑफ फ्लाइंग टेस्ट बेड इस्तेमाल किए जाने की बात की गई, उसको भी ठुकराया गया। और अभी तक हम फाइनलाइज नहीं कर पाए। और बाद में तो ये भी कहा गया कि
तेजस का ही इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट को एज ऑफ फ्लाइंग टेस्ट बेड इस्तेमाल करना सिर्फ नहीं था, तो आशा करते हैं कि यह इंजन प्रोग्राम शीघ्र अतिशीघ्र कंप्लीट हो और हमें बहुत बड़ी खुशखबरी शीघ्र सुनने को मिले। इसी के साथ इस वीडियो पे बस इतना ही। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और वीडियो पर अपना राय कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक देखते रहिए इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर। जय हिंद।